जनपद कन्नौज में पुलिस की छापेमारी में अवैध असलाह फैक्ट्री का हुआ भंडाफोड़, साथी एक गिरफ्तार। वहीं पुलिस ने घर में संचालित अवैध असलाह फैक्ट्री से 315 का तमंचा, कारतूस व तमंचों की नाल बड़ी तादाद में बरामद की। साथ ही असलाह के साथ साथ पुलिस ने उपकरण भारी मात्रा में बरामद किए। अवैध असलाह बनाने वाली काफी समय से बना रहा था तमंचे। मामला आदर्श कोतवाली क्षेत्र के पाला गाँव का है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए सोनू भदौरिया की रिपोर्ट, कन्नौज। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर का एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर LPG गैस के सिलेंडर से रोड पे सफेद पट्टी बनाने वाली मशीन बेधड़क चलाई जा रही है, जिसमें PWD के अधिकारी इतना भी नहीं जानते कि जो LPG गैस आग से काफी दूर रखनी चाहिए। देखिए किस तरह LPG गैस सिलेंडर आग की भट्टी में ही रखा जा रहा है, जिससे कर्मचारी बेधड़क होकर काम करने में जुटे हुए हैं, जबकि यह कार्य शहर के अंदर ही किया जा रहा है। वहीं व्यापारियों और नागरिकों का कहना है कि इससे कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। एक मामला संज्ञान में आया है, जो रोड पर PWD द्वारा जो है पट्टी डाली जा रही है, उसमें LPG सिलेंडर यूज़ किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे उसमें? यही कहना चाहेंगे, बेहद दुखद है और प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे अगर बाई चांस कोई अगर घटना घट जाए तो कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? तो इसको प्रशासन को, सरकार को, या जो यहाँ के मंत्री हैं उनको ऐसे मामलों में दखलंदाजी करनी चाहिए और उसको ध्यान देना चाहिए, ताकि जो हम लोग पब्लिक के जो चुन के इनको सांसद विधायक बनाते हैं, वो लोग ऐसे पैसे लेके इनके सबके नेतागिरी में टेंडर करा दिए जाते हैं। लेकिन ये बहुत दुखद है, एक प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, ऐसे ठेकेदारों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ये सिलेंडर LPG जहाँ से भी लाते हैं उसमें पब्लिक का सिलेंडर कटता है, ना कि इन नेताओं का सिलेंडर कटता है, तो ऐसी जगह कॉमर्शियल सिलेंडर का यूज़ होना चाहिए और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए शहर में, इस पर ध्यान देना चाहिए। मामला संज्ञान में आया है, जो जिससे कि पब्लिक की तो जान जाएगी, लेकिन जिस तरीके से जो अधिकारी हैं या जो ठेकेदार हैं उनको बेखौफ होकर के LPG गैस सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, जो कि गरीब पब्लिक को सिलेंडर मिलना चाहिए, वो एक सरकारी जो टेंडर होते हैं उनमें यूज किए जा रहे हैं, क्या कहना उस विषय में आपका? देखिए, मैं तो यही कहूँगा इस विषय पे कि ये बहुत ही अनुचित है। सरकार जो है बिना किसी जांच के एक तो टेंडर दे देती है, वो लोग कौन सा सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं कि दूसरा से पट्टियाँ बना रहे हैं, सरकार उसमें कोई देखने नहीं आता है, कोई भी कार्रवाई नहीं करी जा रही है। इसको देखना चाहिए सरकार को, टेंडर देने से पहले ठेकेदार से बात करनी चाहिए कि आप क्या यूज़ करेंगे, पट्टी कैसे बनेगी। आप घरेलू गरीबों के घरेलू सिलेंडर को काट रहे हैं, उससे आप पट्टी बना रहे हैं। पहली बात तो इसमें कमर्शियल सिलेंडर यूज़ करने चाहिए, वो भी एक सेफ्टी पर्पज़ के साथ, सेफ्टी इक्विपमेंट्स होने चाहिए इसमें, जिससे कहीं भी आग लग जाए तो उसके लिए जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स आते हैं फायर वाले, वो यूज़ करने चाहिए। लेकिन ये अनुचित है और इसका परिणाम बहुत ही खतरनाक हो सकता है, सरकार को उसके लिए उचित कार्रवाई करनी चाहिए। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट, शाहजहांपुर। बिल्हौर कानपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा जाने पर बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मुकदमा नहीं लिख रही, लेकिन पुलिस द्वारा मुकदमा न लिखने जाने से गुस्साए ग्रामीणों ने युवक के शव को GT रोड पर रखकर जाम लगा दिया है। वहीं आपको बताते चले कि कुंवर पुत्र कुकरी के सामने हुए एक्सीडेंट में अर्जुन पुत्र अमर राठौड़ की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस द्वारा ट्रैक्टर को हिरासत में न लिए जाने पर ग्रामीणों में काफी गुस्सा भरा हुआ है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए शिवम सक्सेना की रिपोर्ट, बिल्हौर कानपुर। जनपद फतेहपुर में सदर कोतवाली क्षेत्र के राधानगर बहुआ रोड से पुलिस ने चेकिंग के दौरान TUV गाड़ी से 32 लाख रुपए की बरामदगी की। वहीं COCT SDM सहित कोतवाली की टीम मौके पर रही मौजूद। वहीं पुलिस कैश को पकड़ कर जांच में जुटी। TV1 इंडिया न्यूज के लिए पंकज पटेल की रिपोर्ट, फतेहपुर। पिछिया अजकैन कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रामबाग गांव में 22 वर्षीय प्रदीप कुमार नाम का युवक अपने ही घर पर लाइट की कुछ खराबी होने पर वह NVV में तार सही कर रहा था कि तभी उसे अचानक करंट लगने से मौके पर मौत हो गई। वही युवक अपनी दो बहनों से छोटा था और वो मुंबई में रहकर मजदूरी कर रहा था। 15 दिन पहले वो मुंबई से गाँव रामपुर आया था, जिसमे की आज उसकी अचानक करंट लगने से मौके पर मृत्यु हो गई। वही ऐसा हादसा देख कर उनके परिजनों ने जैसे ही देखा तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। TV1 इंडिया न्यूज के लिए शशांक मिश्रा की रिपोर्ट, बिछिया।
जनपद फिरोजाबाद में शुक्रवार की सुबह जिलाधिकारी ने शहर स्थित 11 मतदेय स्थलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। साथ ही उन्होंने कड़े निर्देश दिए कि मतदान कक्ष में प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था रहे, इसके लिए पर्याप्त प्रबंध कर लिया जाए। वहीं मतदान कक्ष में ट्यूबलाइट अवश्य लगाए जिससे प्रकाश पर्याप्त रहे। TV1 इंडिया न्यूज के लिए देवशीष शर्मा की रिपोर्ट, फिरोजाबाद। जनपद फिरोजाबाद में बीते 3 दिन तक प्रत्याशियों में नामांकन का दौर खत्म होने के बाद अब उसके नामांकन पत्रों की जांच जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने करना शुरू कर दिया है। सभी प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच शुरू हो गई। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशी भी आए। TV1 इंडिया न्यूज के लिए देवशीष शर्मा की रिपोर्ट, फिरोजाबाद।